आज हमारे साथ किसान संघ के से जुड़े हुए किसान से हम बातचीत करते हैं, जो आज किसानों ने डीएपी से भरा हुआ ये ट्रक पकड़ा है और उसको फिर इकट्ठा हो गए। इन्होंने आधार कार्ड वगैरह जो अपना सिस्टम तैयार किया है, और उसमें एक अधिकारी आए करनाल से, उन अधिकारी की जो अगुवाई में सारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो ये ट्रक जिसके एजेंसी के नाम आया है उस एजेंसी के पास हम इसको लेके जाएंगे, वहाँ ये सारा ट्रक खाली होगा और बाद में किसानों को बांटा जाएगा। किसानों ने जिद की कि हम एक 10 कट्टे से कम एक किसान ना लेके जाए, जो किसान यहाँ मौके पे हैं। तो अधिकारी ने कहा भी 10 कट्टे से काम नहीं चलेगा, 5 कट्टे कीजिए, और उन्होंने 5 कट्टों की आम भी भर लिया। तो किसानों की उनसे साथ जो बातचीत हुई, जो उन्होंने फैसले माने अपने जो बनवाई बात अधिकारी के साथ, सहमति हुई है या नहीं हुई है, तो अभी ये हमारे साथ किसान संघ से जुड़े हुए साथी बस्तली गांव से राजेंद्र कुमार जी पहुंचे हैं, और ये अपनी बात बताएंगे कि आज ये जो शाम को घटना हुई है इसमें क्या क्या बात हुई है। हाँ जी, जो आप अधिकारी से मिले, आप मौके पे थे उस टाइम जब ये कार्रवाई चल रही थी सारी, आपको देखा आपने, जैसे तो उसमें क्या अब शाम को क्या बात हुई है? जैसे करनाल से डीडीए साहब आए, तो हम सभी किसानों ने उसके सामने बात रखी भाई, हर किसान को 10 कट्टे की सहमति बन चुकी है, सभी के आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, और बीच में जो शेख जी आगे थे जिनके नाम से कटी हुई है, जो एजेंसी के मालिक थे, अब उनका ये गुहाने से ट्रक आया डीएपी का, और सुबह 10:30 बजे टीटी की अगुवाई में, जिनकी लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है, उनके अगुवाई में हर किसान को 10 कट्टे की सहमति हुई है, और ट्रक प्रशासन अधिकारियों की सहमति से उनके अंडर में रखा गया है। सभी किसानों से अपील है, जिनका नाम लिस्ट में आधार कार्ड और नंबर है, उन्हीं को 10 कट्टे की 1200 रुपये रेट के हिसाब से डीएपी 10 कट्टे की सहमति से दिया जाएगा, और डीडी की अगुवाई में जो करनाल जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो उनको ये खाद दिया जाएगा, और उससे आगे जैसे भी ट्रक आएगा किसान तो करने रहें, ताकि जो ये दुकानदार एजेंसियाँ हैं ये गपलेबाजी करते हैं, और ये चाहते हैं उनके साथ थप्पड़ लगाया जाए, दवाई लगाई जाए, ये अपना ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसानों को दोनों आटे से लूटा जा रहे हैं, ताकि इस सरकार को, जो बड़ी निकम्मी सरकार है, घंटे में मंडी की दुकान भी गई है, और उसके बाद जितने भी उनकी बैटरी हैं और सरपंच सभी दुकानों पे आए हुए हैं, किसान लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। ऐसे एक मिनट, ये जो आपने इतनी लंबी बात बताई है भी, ट्रैक्टर के सलब भी खराब हो गए हैं, लंबा जाम लगता है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर बंद करनी पड़ती है, तो ज़्यादा देर स्टार्ट रखने से भी तेल की मेरे हिसाब से भी खपत होती है, जिससे तेल की जो महंगाई बढ़ी हुई है, तेल में जो उछाल आया है, तो इसमें किसान मतलब जो पहले भी जो, चलो ये तेल की बात तो है जो कुछ है, जो ये डीएपी की जो आज किल्लत आई है, पीछे भी सरकारों में आती रही है ये, लेकिन सरकार तो ये हमारी अब जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं भी किसानों को कोई किल्लत नहीं आने, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, और ये डीएपी के गोदाम खाली पड़े हैं, सॉरी ये जो सोसाइटी के गोदाम है वो खाली पड़े हैं। ये काम सरकारों को होता है, जैसे जो सब्सिडी के पैसे हैं ना, सरकार पहले पेमेंट जमा कराती है, उस जमा पेमेंट कराने के बाद एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद जैसे पिछले महीने पेमेंट जमा करानी होती थी, और तब ये 25 अक्टूबर को ये खाद आना था, लेकिन ये इस खाद को 5 नवंबर को देने की कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, किसानों की सभी लगभग खेत आए हुए हैं, बिजाई शुरू कर दी गई है, मतलब जो खेत जो गेहूं की तैयारी दी है बोने की, गेहूं की बुआई का जो सीजन है वो चल चुका है। नहीं, अभी जो अधिकारी कह रहे थे कि 5 नवंबर से और के बाद शुरू होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता का सिस्टम है। हाँ, तो अभी से जो कुछ किसानों ने जो हाहाकार मचाई है, कोई 10 कट्टे की बात करता है, कोई 20 कट्टे की बात करता है, कुछ किसानों को इतने खाद की जरूरत भी नहीं है, क्यों कि उसमें कोई किसान गन्ना बोएंगे, कोई किसान कुछ सब्जी बोएगा, कोई सारे तो गेहूं नहीं बोएंगे, जितना किसान गेहूं बोएगा उसी को तो डीएपी की जरूरत पड़ेगी ना। 30% खेत बिजाई के लिए अवेलेबल है, उनको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से वो कट्टे दिए जाएं,
उसके बाद लगभग लगभग 1 नवंबर को लगभग बिजाई का पूरा सीजन चालू हो जाता है और ये 20-22 नवंबर तक खत्म हो जाता है। ये सरकार का सिस्टम करने का प्रबंध होता है, ये इनको पेमेंट जमा करानी पड़ती है पेमेंट इसकी सब्सिडी के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं किसान खेती करना छोड़ दे, ये अपना 15 साल अगर ये पैसे जब हो जाए तो इनको समय पे इनको खाद करानी पड़ेगी। तो इस कारण सरकार इतने पैसे नहीं जमा करा रही है। प्रशासन अधिकारी जमा और ये सेठ लोग एजेंसी मालिक ये आपसे मिले हैं, ये पहले भी होता था लेकिन अब पहले ही ज्यादा है इसलिए उछाल आया है। तो इसमें किसान मतलब जो पहले भी जो चलो ये तेल की बात तो है जो कुछ है, जो ये डीएपी की जो आज किल्लत आई है पीछे भी सरकारों में आती रही है ये, लेकिन सरकार तो ये हमारी अब जो सरकार है मनोहर खट्टर जी कह रहे हैं कि किसानों को कोई किल्लत नहीं आने जाए, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, और ये डीएपी के गोदाम खाली पड़े हैं, सॉरी ये जो सोसाइटी के गोदाम है वो खाली पड़े हैं। ये काम सरकारों को होता है, जैसे जो सब्सिडी के पैसे हैं ना सरकार पहले पेमेंट जमा कराती है, उस जमा पेमेंट कराने के बाद एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद जैसे पिछले महीने पेमेंट जमा करानी होती थी और तब ये 25 अक्टूबर को ये खाद आना था, लेकिन ये इस खाद को 5 नवंबर को देने की कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। किसानों की सभी लगभग खेत आए हुए हैं, बिजाई शुरू कर दी गई है, मतलब जो खेत जो गेहूं की तैयारी दी है बोने की, जो गेहूं की बुआई का जो सीजन है वो चल चुका है। नहीं अभी जो अधिकारी कह रहे थे कि 5 नवंबर से और के बाद शुरू होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता का सिस्टम है। तो अभी से जो कुछ किसानों ने जो हाहाकार मचाई है, कोई 10 कट्टे की बात करता है, कोई 20 कट्टे की बात करता है, कुछ किसानों को इतने खाद की जरूरत भी नहीं है। क्यों? कि उसमें कोई किसान गन्ना बोएंगे, कोई किसान कुछ सब्जी बोएगा, कोई सारे तो गेहूं नहीं बोएंगे, जितना किसान गेहूं बोएगा उसी को तो डीएपी की जरूरत पड़ेगी ना। 30% खेत बिजाई के लिए अवेलेबल है, उनको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से उनको कट्टे दिए जाए, उसके बाद लगभग लगभग 1 नवंबर को लगभग बिजाई का पूरा सीजन चालू हो जाता है और ये 20-22 नवंबर तक खत्म हो जाता है। ये सरकार का सिस्टम करने का प्रबंध होता है, ये इनको पेमेंट जमा करानी पड़ती है पेमेंट इसकी सब्सिडी के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं किसान खेती करना छोड़ दे, ये अपना 15 साल अगर ये पैसे जब हो जाए तो इनको खाद समय पे इनको खाद उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो इस कारण सरकार इतने पैसे नहीं जमा करा रही है। प्रशासन अधिकारी जमा और ये सेठ लोग एजेंसी मालिक ये आपसे मिले हैं, ये पहले भी होता था लेकिन अब पहले ही ज्यादा है, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब जब निस्संदेह खाद के ट्रक आएंगे उसके बाद हम किसान भाई अपने हिसाब से अपने लेवल से इसको सिस्टम से बंटवाएंगे, कोई भी किसान किसी प्रकार का उर्दमबाजी नहीं करेगा और तरीके से डीडीए के हिसाब से बटे या एडीओ के हिसाब से बटे, जो भी इसके अधिकारी हैं उनके हिसाब से किसी प्रकार की कोई भी मतलब दखलंदाजी कोई भी किसी प्रकार का अल्लाह बुल्ला नहीं चाहेंगे। ये थे किसान संघ से जुड़े किसान, इनकी आपने बात सुनी और देखते हैं आगे सरकार इनकी बात पर कितना गौर करती है और डीएपी का कितना प्रबंध करती है।